स्टूडेंट वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। पहले मैंने फिगर बना के रखा हुआ है, देखो। बोल रहे कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो एज ऑफ 5, जो 5 साल के जो नीचे हैं, उनके लिए क्या प्रीफर किया गया है? एक स्लाइड है जो कि कितने हाइट का है, 1.5 मीटर हाइट का है टॉप से, एंड वो इंक्लाइंड हुआ है एट एन एंगल कितना, 30 डिग्री। देखो ये पहला पार्क का डायग्राम है, 1.5 मीटर उसका हाइट है और जो इंक्लाइंड है जहाँ पर बच्चे यहाँ पर खेलेंगे स्लाइडिंग पोर्शन है, और ये ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। फिर दूसरा एक और एक स्लाइडर वैसा ही है, ठीक है, जो कि ग्राउंड से 60 डिग्री बना रहा है एंगल, और जो उसका हाइट है वो जिसका हाइट कितना है, 3 मीटर है, ठीक है। उसके बाद देखो, शी वॉन्ट्स टू हैव स्टिप स्लाइड 3 मीटर। ओके, तो बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो सिंपल सा दो डायग्राम है, बता दो कौन सा स्लाइड अच्छा है, मतलब बड़ा है, अच्छा तो नहीं। बोल रहे हैं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में स्लाइड की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो दो फिगर मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, पहले इसका निकाल दो स्लाइड, मतलब ये AC निकालना है आपको, और दूसरा फिगर में आपको PR की वैल्यू निकालना है, बस सिंपल हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो हम बना लेते हैं पहले इस वाले केस वन फॉर द स्मॉलर स्लाइड, केस वन लिख दो इसको ऊपर में, ये आपका छोटा स्लाइड वाला है। तो यहाँ केस वन ऊपर हेडिंग देके डायरेक्टली लिख दो इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये आप लिख लेना, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल लिखना जरूरी है यहाँ पर, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC पहले ले लेते हैं हम, ध्यान समझना, पहले हम मेंशन कर देते हैं। देखो 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये आपका P हो गया, ये आपका B और ये आपका H, ठीक है। तो इसको याद रख लो, मैं पेंसिल से यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका H है, ये आपका है इधर 30 डिग्री के सामने है ना, तो ये P है आपका और ये आपका B है, वैसे भी दिख ही रहा है ये H ही होगा, 90 के सामने तो H ही होता है। तो समझ में आ गया, तो मैं आपको क्या सिखाया था, तो पहले जो एंगल है वो पहले लिख देते हैं 30 डिग्री इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, हमें इसका वैल्यू निकालना है और ये गिवन है, तो हम इसका और डिवाइड बाई इसका करेंगे। तो इसकी कोई भी नेमिंग आप ले लो, मैं BC ले रहा हूँ, तो मैंने BC जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है, निकालना क्या है, AC निकालना है, तो उसको मैंने नीचे रखा, ठीक है। अब सोचते हैं कि BC/AC है क्या, BC हमारा क्या है, BC हमारा है बच्चों P है, BC P है और AC हमारा H है, तो P/H हमारा क्या होता है, साइन होता है, यहाँ पर लिख दो साइन लिख दो, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। और जो साइन 30 डिग्री होता है ये 1/2 होता है, तो 1/2 इक्वल टू जो हमारा BC है वो कितना है, 1.5 यहाँ पर पुट करो, डिवाइड बाय हमें AC का वैल्यू निकालना है, हो गया, फटाक से कैलकुलेशन करते, बहुत ही इजी चैप्टर ये होते हैं। AC मल्टीप्लाई विद 1 कितना, AC हो गया, फिर 1.5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, तो AC की वैल्यू होगी आपके 3 मीटर। इसका मतलब ये जो स्लाइडिंग AC है वो 3 मीटर का है। अब आते हैं केस टू, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल उसको लेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इन राइट एंगल ट्रायंगल, मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आप लिखना, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब इस पे आते हैं, तो सिंपल सी बात है, तो ये 60 डिग्री के सामने वही सेम, ये P है, ये B है, ये H है, तो वही सेम चीज़ें होंगी, मुझे ये चाहिए, तो फिर से मैं वही लिखूंगा, पहले एंगल कितना है 60 डिग्री, मैंने लिख दिया यहाँ पर 60 डिग्री इक्वल टू क्या, मतलब क्या आपको यहाँ पर गिवन है जो हमारा RQ है, तो लिख दो यहाँ पर ऊपर RQ लिख दो, डिवाइड बाय कि आपको चाहिए PR आपको चाहिए, तो लिख दो RQ डिवाइड बाई PR, ठीक है, जो चाहिए और जो है वही लिखना है, चाहे ऊपर लिखो या नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर में। तो अब देखते हैं RQ है क्या, जो RQ जो है हमारे ये P है, तो ये फिर से वही हुआ P/H ही होगा आपका, तो P/H मतलब आपका साइन ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ हम साइन लिखेंगे, साइन 60 डिग्री, क्लियर है। तो अब हम देखते हैं साइन 60 डिग्री हमारा है कितना, √3/2 है, तो यहाँ पर लिखो √3/2 इक्वल टू RQ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर 3 लिखो, डिवाइड बाई PR कितना है, PR नहीं पता हमें, हो गया बस, इसको बस अब सॉल्व कर लेना आपको, तो PR मल्टीप्लाई √3, क्लियर हो रहा है, इक्वल टू देखो कितना जल्दी हो रहा है, 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया, तो सिंपल सी PR की जो वैल्यू हो कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा √3। अब इसको एक काम करो, इसको अब रैशनलाइज कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, इनटू यहीं पर लिख देते हैं √3 ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, आपको पता है 9th में पढ़े होंगे, तो 6√3 डिवाइड बाई कितना 3, तो ये कट जाएगा कितना हुआ 2 हुआ, तो आंसर आपका कितना हो गया 2√3। तो 2√3 जो भी है, देखो 3 से तो ऑब्वियसली 2√3 जो ऑब्वियसली क्या होगा, बड़ा ही होगा, आपको फिगर में देखिए लग गया होगा, ये फिगर में ये स्लाइडिंग बड़ा है तो बड़ा ही होगा, क्लियर है। तो हमें पूछा ईच, मतलब बड़ा तो समझ में आ गया 2√3 है, पर हमें क्वेश्चन में पूछा था दोनों का लेंथ, स्लाइडिंग वाला लेंथ बताओ, तो पहला का 3 मीटर है और दूसरा का कितना है 2√3 है, पहला और दूसरा, खत्म, दो कितना इजी क्वेश्चन था।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका। आपका स्टेटमेंट आप लिख लो, थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट लिखना होता है, आप लिख लेना। ओके, तो समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे। और एक सवाल, बस इसको आप ध्यान रखना, PBR कहाँ कहाँ है। अगर आपको पहले में दिक्कत होता है तो आप ये लिख दो पेंसिल से, ठीक है, तो गलत नहीं होगा आपका। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक करना, और चैनल को बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।